दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपके बेटे के लिए बड़े अर्थ वाले टॉप 10 बहुत ही छोटे नाम लेकर आए हैं। आई होप कि ये नाम आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नाम मैं आपके बेटे के लिए लेकर आई हूँ, देव। और देव नेम की मीनिंग होती है पार्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट नाम है कुंज, एंड कुंज नेम की मीनिंग होती है लिविंग इन ग्रीनरी, यानी कि हरियाली में रहने वाला। तो कुंज नाम वास्तव में बहुत ही छोटा है और इस नाम का अर्थ काफी बड़ा है। तो आप अपने बेटे को कुंज नाम जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट नेम इज ईर्स, एंड ईर्स नेम की मीनिंग होती है ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि एक बहुत ही सुंदर सा फूल। नेक्स्ट नाम बहुत ही छोटा सा नाम है हर्ष, एंड हर्ष नेम की मीनिंग होती है हैप्पीनेस। तो हर्ष नाम आप अपने बेटे के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगला नाम बहुत ही प्यारा सा नाम है किंसु, एंड किंसु नेम की मीनिंग होती है नेम ऑफ ही लॉर्ड कृष्णा, यानी कि भगवान कृष्ण का एक प्यारा सा नाम। नेक्स्ट नाम है शुभ, एंड शुभ नेम की मीनिंग होती है ब्रिलियंट, यानी कि प्रतिभाशाली। अगला नाम मैं लेकर आई हूँ यंस, एंड यंस नेम की मीनिंग होती है गॉड नेम, यानी कि भगवान का नाम। नेक्स्ट इज रुद्र, एंड रुद्र नेम की मीनिंग होती है नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी कि भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम। अगला नाम है तंस, और तंस नेम की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल बॉय। नेक्स्ट नेम इज मौली, एंड मौली नेम की मीनिंग होती है नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मौली नाम आप अपने बेटे के लिए जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए नेम्स आपको जरूर पसंद आए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।